हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो हमने इसकी सारे टॉपिक्स और हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं उनके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आज की वीडियो में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर के लिए सो so आज करेंगे हम पहले चार क्वेश्चंस क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी तो फर्स्ट फोर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे टॉपिक्स पे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो so वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर वन शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एट एक्स इज टू ई तो ये हमारा फंक्शन है हमें शो करना है कि x इज इक्वल्स टू ई पे क्या है मैक्सिमम है तो हमारा जो फंक्शन है हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स तो लॉग एक्स भी एक फंक्शन है x भी एक फंक्शन है तो u बाई वी यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे u का डेरिवेटिव v एज इट इज v का डेरिवेटिव u एज इट इज डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर तो यहाँ पर हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैन x एज इट इज माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स और साथ में log x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स होता है x साथ में एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होता है तो वन इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायेर सो एफ डैश एक्स आ गया मेरे पास यहाँ से एक्स एक्स कैंसल हो गया वन माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र ये आ गया मेरे पास एफ़ डैश एक्स सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम पुट करते हैं एफ़ डैश एक्स को ज़ीरो वन माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो इधर चला जाएगा सो वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया लॉग एक्स इज इक्वल टू वन हो गया है और लॉग एक्स तभी वन होता है जब एक्स की वैल्यू क्या होती है ई e होती है ठीक है तो अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डबल डेरिवेटिव किसका करना है मुझे वन माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करना है है ना ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था यानी कि एफ डैश एक्स था उसका डबल डेरिवेटिव करना है वन माइनस लॉग एक्स भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायेयर भी एक फंक्शन है तो यही वाला रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायेर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायेयर ठीक है v का करेंगे अब और वन माइनस लॉग एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर ठीक है अब d बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस लॉग एक्स का वन का ज़ीरो हो जाएगा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा है ना ये बीच में माइनस था लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और साथ में वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर ठीक है अब यहाँ पर ये आ गया न्योमरेटर में माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर ये एक्स एक्स से कट गया माइनस एक्स रह गया माइनस टू एक्स रह गया वन माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई x की पावर फोर अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है तो यहाँ से हम माइनस एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं अंदर मेरे पास आ जाएगा वन प्लस टू इंटू वन माइनस लॉग एक्स ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर अब यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन है अंदर वाली ब्रैकेट जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं वन प्लस टू माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर माइनस एक्स तो आ जाएगा ये थ्री माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर ओके तो ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश एक्स इसको हम एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये एक्स एक्स के साथ एक्स की पावर फोर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस थ्री माइनस टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब अब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे ई e पुट करेंगे तो एफ़ डबल डैश एक्स को चेक करेंगे क्या वो मिनिमा है या मैक्सिमा है मतलब वो लेस देन ज़ीरो है तो इट विल बी मैक्सिमा अदरवाइज इट विल बी मिनिमा सो माइनस थ्री माइनस टू लॉग ई डिवाइडेड बाई ई की पावर थ्री सो लॉग ई क्या होता है हमें पता है कि लॉग ई e की वैल्यू वन होती है सो so, हम यहाँ पर ई e की वैल्यू लॉग ई की वैल्यू वन पुट कर देंगे सो माइनस थ्री ये प्लस टू हो गया डिवाइडेड बाई ई क्यूब माइनस वन अपॉन ई क्यूब डैट इज लेस देन ज़ीरो सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है एट एक्स इज इक्वल्स टू ई तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स इज इक्वल्स टू ई इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये x इज इक्वल्स टू ई पे क्या है मैक्सिमम है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलस ट्रायंगल तो यहाँ पर मैंने लिया है आइसोसलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी तो इसका बेस क्या है बी है और आइसोसल्स ट्रायंगल की टू इक्वल साइड्स मैंने यहाँ पर ली हैं एक्स ली हैं तो लेट ए बी और ए सी एक्स हो गया बी सी जो हो गया वो बी हो गया दिस इज़ ड्रीजिंग ऐट द रेट ऑफ थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड तो जो साइड्स हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं एट थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रही हैं यानी कि हमें डी एक्स बाई डी टी जो है वो डिक्रीजिंग गिवन है यानी कि माइनस थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है समझ आया x क्या थी हमारी साइड थी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज कर रही है यानी कि थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रही है यानी कि dx एक्स बाई की वैल्यू हमें गिवन है क्या हमें निकालना है वो देख लेते हैं ये ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालना क्या है टू फाइंड हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग एरिया कैसे डिक्रीज हो रहा है यानी कि हमें डी ए बाई डी टी निकालना है सो लेट मान लेते हैं कि ए को मान लेते हैं एरिया ठीक है एरिया ऑफ द आइसोसल ट्राइंगल एरिया कैसे डिक्रीज़ कर रहा है वैन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस डी ए बाई डी टी आपको फाइंड करना है वैन टू इक्वल साइड्स यानी कि एक्स जो है वो किसके बराबर है बेस के बराबर है ठीक है तो ये हमें फाइंड आउट करना है तो पहले गिवन और टू फाइंड फाइंड कर लो और उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है अब यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में ड्रॉ करके रखा हुआ है ड्रॉ पर पेंडिकुलर ए डी दैट इज़ पर पेंडिकुलर टू बी सी ठीक है उसकी वजह से क्या होगा जो बी डी है वो उसकी वैल्यू भी बाई बी बाई टू हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी बी बाई टू हो जाएगी है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल नाइन्टी डिग्री का हो जाएगा अब हम ट्रायंगल ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो ए बी क्या है एक्स स्क्वायर, बी डी क्या है बी बाई टू का होल स्क्वायर, ए डी हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ठीक है ये आ गया और ए डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ठीक है ये मेरी परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू आ गई अब हमें पता है कि हमें एरिया की बात करनी है क्योंकि एरिया पूछा गया है कैसे एरिया डिक्रीज करेगा तो एरिया ऑफ आइसोसलस ट्राएंगल जो होता है वो होता है वन बाई टू इन बेस इन हाइट यही होता है एरिया ऑफ ट्राएंगल हाइट क्या है इसकी बेस जो है वो तो बी ही है हाइट ये है ए डी हमारी है ना तो ए डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो वो मैंने पुट कर दी एक्स स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ठीक है तो ये मेरे पास एरिया की वैल्यू आ गई है अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्योंकि मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है सो so, मैं इसको डिफ्रेंशियट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो मेरे पास ए जो है वो गिवन है वन बाई टू बी इंटू बी एक्स स्क्र माइनस बी स्क्यर बाय फोर ये मेरे पास ए है इसको मैं डिफरेंशियट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी बाई टू जो है दिस इज़ कॉन्स्टेंट ओनली तो इसको मैं पहली बार ले लेती हूँ सो डी बाई डी टी मुझे करना है एक्स स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वायेयर बाई फोर का बट यहाँ प्रॉब्लम है कि नीचे वेरिएबल क्या है टी है और रूट के अंदर वेरिएबल क्या है एक्स है बी तो एक कॉन्स्टेंट ही है उसको मैं बाद में बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा है ये टर्म अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे वेरिएबल सेम करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करूँगी करते थे ना हम तो हमने चैप्टर नंबर फाइव में भी पढ़ा था इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब मैं इसकी डिफ़्रेंसीेशन कर सकती हूँ क्योंकि वेरिएबल सेम है सो so b बाई टू तो कॉन्स्टेंट है अब इसकी मुझे डिफ्रेंसीशन करनी है इसकी डिफ्रेंसीेशन क्या होगी रूट ऑफ एक्स की डिफ्रेंसीशन क्या होती है वन बाई टू रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यही होता है वन बाई टू रूट एक्स तो सिंपल लिखूंगी वन बाई टू इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर बट ये अब सिंपल एक्स नहीं था तो अंदर वाला जो चीज़ है उसकी फिर से डिफ्रेंसीशन करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ठीक है और डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी तो माइनस थ्री गिवन थी तो मैं यहाँ पर थ्री ही यूज़ करूंगी क्यों यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे एरिया भी डिक्रीजिंग वाला ही निकालना है क्योंकि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग एरिया कैसे डिक्रीज कर रहा है तो मैं यहाँ पर सिंगल वैल्यू थ्री यूज़ कर रही हूँ माइनस नहीं यूज करूंगी यहाँ पर ठीक है वो डिक्रीजिंग था इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर लगाने की बी बाई टू सो so, ये हो गया वन बाई वन बाय टू अंडर रूट ऑफ़ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इसकी डिफ्रेंसीेशन क्या होगी टू एक्स हो जाएगी और बी स्क्र माइनस फोर की तो ज़ीरो ही हो जाएगी ठीक है और साथ में आ गया आपका थ्री ये टू जो है वो इस टू से कैंसिल हो जाएगा सो so, मेरे पास बचा बी इंटू टू और साथ में रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर और साथ में थ्री ठीक है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सो so, वो लिखेंगे हम थ्री बी और साथ में ये x, x भी था यहाँ पर सो so, थ्री बी एक्स आ गया और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर तो ये मेरे पास आ गई हमारी डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू t अब हम यहाँ पर x की वैल्यू b पुट करेंगे वो कहाँ से आएगी वो यहाँ से आएगी देखो हमें डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना था जब एक्स इजिक्वल्स टू बी है तो हमने डी ए बाई डी टी तो निकाल लिया और एक्स इजिक्वल्स टू बी पुट कर देते हैं सो हमारा डी ए बाई डी टी में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b पुट कर दीजिए तो थ्री बी इंटू बी हो गया टू इंटू बी स्क्वा माइनस बी स्क्वायर बाय फोर थ्री बी स्क्वेयर हो गया न्यूमनेटर में टू नीचे एलसीएम हो गया थ्री बी स्क्वेर बाय फोर अब फोर का अंडर रूट जो होता है बी स्क्र और फोर का अंडर रूट बाहर आ सकता है तो मैं वो बाहर निकाल लेती हूँ सो टू बाय ये पहले फोर का निकाल लेती हूँ फिर बी का निकालूंगी ठीक है सो so, ये टू से टू कैंसिल हो गया थ्री बी स्क्वेर और अब बी का भी बाहर निकाल लेती हूँ तो बी बाहर आ गया अंडर रूट थ्री रह गया सो so, एक बी बी से कट गया सो दिस विल बी थ्री बी बाई अंडर रूट थ्री अब अंडर रूट थ्री डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज कर लो थ्री अंडर रूट थ्री बी डिवाइडेड बाई थ्री सो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट थ्री बी ओके सो अंडर रूट थ्री बी आ गया सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रोट थ्री बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्योंकि उसने डिक्रीजिंग पूछा था यहाँ आप सीधा लिख सकते हो एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ रूट थ्री बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और जिसमें डिक्रीजिंग है तो हमें बताना है कि ये वाला फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है पर यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में ना हमें यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं है तो इंटरवल हमें खुद से सपोज़ करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ जीरो टू टू पाई ठीक है ये इंटरवल मैं यहाँ पर ले रही हूँ तो इसका सिंगल डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगी और वो कैसे करूंगी ध्यान से देखिएगा और क्यों करना है सिंप्लीफाई वो भी आपको लग जाएगा पता देखो न्यूमरेटर में देखो टर्म्स में अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा टू प्लस कॉज एक्स है ना टू प्लस कॉज एक्स नीचे भी है तो ये कैंसिल हो सकता है इसलिए मैं इसको ना इस तरह से दोनों के नीचे लिख लूँगी टू प्लस कॉज एक्स माइनस एक्स टू प्लस कॉज एक्स और टू प्लस कॉज एक्स ठीक है तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में कट जाएंगी तो ये थोड़ा सा इस वाले से जो हो जाएगा सिम्पलीफाई हो जाएगा है ना तो ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स ओके एफ़ ऑफ एक्स आ गया अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है सो so, मैं एफ़ डैश एक्स करूँगी सो डी बाई डी एक्स करना है मुझे फोर साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉज एक्स का माइनस टी बाई डी एक्स करना है एक्स का ये वाला तो सिंपल ही है वन ही आ जाएगा ये ऊपर भी फंक्शन है ये नीचे भी फंक्शन है तो हम क्या लगाएंगे यू बाय वी यानी कि क्वेश्चन रूल लगाएंगे यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर ओके सो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं सो so d बाई डी एक्स करूंगी मैं फोर साइन एक्स का और साथ में टू प्लस कॉज एक्स एज इट इज माइनस डी बाई डी एक्स करना है मुझे अब टू प्लस कॉज एक्स का और फोर साइन एक्स जो है वो एज इट इज माइनस वन और नीचे वी स्क्वायर भी करना है वी स्क्वायर का मतलब हो गया टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर ये हमने डेरिवेटिव कर लिया अब डेरिवेटिव सॉल्व करना है सो so, ये आ जाएगा फोर कॉज एक्स इंटू टू प्लस कॉज एक्स माइनस इसका क्या आ जाएगा ज़ीरो टू का ज़ीरो हो गया कॉज एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो सीधा ही माइनस साइन एक्स लिख लेती हूँ माइनस साइन एक्स हो गया और साथ में फोर साइन एक्स हो गया डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन ओके अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इज एट कॉज एक्स प्लस फोर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स ठीक है और साथ में ही इसका एलसीएम ले लेते हैं टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो गया और नीचे भी आ गया टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर ठीक है अब देखो ये दो टर्म्स में से अगर मैं फोर कॉमन ले लूं तो कॉज स्क्वायेयर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है वन वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो मैं इसको लिखूंगी अब एट कॉज एक्स तो यहाँ पर फोर रह गया क्योंकि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायेयर एक्स जो है वो देखो यहाँ पर वन बन गया इसी स्टेप में हम इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं ठीक है तो फोर माइनस यहाँ पर आ जाएगा टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो फोर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉज एक्स यही हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर नीचे वाले का ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जब इसको जीरो पुट करना है तो नीचे वाली टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एट कॉज एक्स प्लस फोर माइनस फोर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस फोर कॉज एक्स तो फोर से फोर कैंसिल हो गया ठीक है तो हम इसको लिखेंगे एट कॉज एक्स माइनस एट कॉज एक्स में से फोर कॉज एक्स निकालेंगे तो न्यूमरेटर में से कॉज एक्स कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा फोर माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ रहा है एफ डैश एक्स आने के बाद हम इसको पुट करते हैं जीरो तो एफ डैश एक्स को मैंने पुट कर दिया है जीरो तो कॉज एक्स अपॉन फोर माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये वाली जो टर्म इधर जाके तो ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ बचेगा कॉज एक्स इन टू फोर माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ से या तो कॉज एक्स ज़ीरो हो सकता है या फोर माइनस कॉज एक्स जो है वो ज़ीरो हो सकता है अब हमारी इंटरवल क्या थी जीरो से लेकर टू पाई तक अब कॉज़ की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ होती है आपको पता है अच्छे से कॉज़ की वैल्यू नाइन्टी पे ज़ीरो होती है और एक फिर थ्री पाई बाय टू पर पाई बाय टू जब आप ऐड कर लो यानी कि पाई बाय टू पे नाइन्टी होती है अगर इसमें मैं पाई ऐड कर दूँ तो बन जाता है थ्री पाई बाय टू तो यानी कि एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो पाई बाय टू आ सकती है या थ्री पाई बाय टू आ सकती है अब अगर यहाँ से देखें तो कॉज एक्स की वैल्यू फोर तो फ़ोर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉज एक्स की जो रेंज होती है वो ये होती है माइनस वन टू वन के बीच में तो कॉज एक्स की वैल्यू जो फोर है वो नॉट पॉसिबल है सो तो इसलिए ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज के आगे गई पाई बाई टू एंड थ्री पाए बाई टू अब हमें इसको नंबर लाइन पे बनाकर अगर देखें तो जीरो से लेके कर टू पाई हमारा इंटरवल है पाई बाय टू पे चेक करेंगे और थ्री पाए बाय टू पे चेक करेंगे यानी कि हमारे इंटरवल्स तीन बन गई ज़ीरो टू पाई बाय टू देन हमारे पास पाई बाय टू टू थ्री पाए बाय टू और लास्ट बनी है मेरे पास थ्री पाई बाय टू 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 पाए है ना ये इंटरवल्स बनी अब इस पर हम f डैश एक्स जो है वो अपना चेक कर लेंगे तो f डैश एक्स हमारा क्या था ये था हमारा कॉज एक्स इंटू फोर माइनस कॉज एक्स अपॉन टू प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर है ना ये हमारा एफ डैश एक्स है तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ तो इसको हमने चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो वहीं से हमें पता चल जाएगा किस पे इंक्रीजिंग है और किस पे क्या है डिक्रीजिंग है ज़ीरो टू पाई बाय टू कोज एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है फोर माइनस कॉजेक्स बी पॉजिटिव ही रहेगा और नीचे तो होल स्क्वायर ही है वो तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा तो यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस इंटरवल पे ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या है इंक्रीजिंग है नेक्स्ट चलते हैं पाई बाय टू टू थ्री पाए बाय टू अब यहाँ पर पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू जब आप जाओ तो आप मतलब जा रहे हो 90 से लेकर 270 तक अब अगर के हिसाब से देखा जाए तो ये फ़र्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड है और ये फोर्थ है यहाँ पर हम जीरो पे हैं ये 90 है ये हमारा पाई है यानी कि वन एट्टी है और यहाँ पर थ्री पाई बाई टू है यानी कि आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की जब आप बात कर रहे हो तो कॉज तो उसमें क्या होता है नेगेटिव ही होता है तो सिंपल सी बात है ये हो गया नेगेटिव फोर माइनस कॉज एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और ये भी नीचे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है सो दिस इज लेस देन जीरो ओवरऑल सो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग रहेगा अब आ जाओ थ्री पाई बाय टू 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 पाई यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो सारा ओवरऑल रिजल्ट इसमें भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है तो इसमें भी क्या है इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग किस पे है जीरो टू पाई बाय टू एंड थ्री पाई बाय टू 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 पाई इस पे इंक्रीजिंग है और पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू पे क्या है डिक्रीजिंग है नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय तो फंक्शन आपको गिवन है इसमें भी आपको इंटरवल्स बताना है किस में इंक्रीजिंग है और किस में क्या है डिक्रीजिंग है तो so, यहाँ पर एफ़ ऑफ एक्स है तो so, पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब तो एफ डैश मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग से करेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स क्यूब का अलग से करेंगे तो so, इसका तो सिंपल है थ्री एक्स स्क्वायर आ गया अब इसको हम पहले थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं x की पावर माइनस थ्री हो गया अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा माइनस थ्री आगे आ गया जाएगा x की पावर कितनी बन गई माइनस फोर बन गई सो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री बाई एक्स की पावर फोर अब इसको फिर से नीचे ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गई तो ये मेरे पास एफ़ डैश एक्स आ रहा है सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं एफ़ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं सो थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री बाई एक्स की पावर फोर इसको ज़ीरो पुट करेंगे सो थ्री एक्स स्क्वायेयर इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स की पावर फोर थ्री से थ्री कैंसिल तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायेयर इज इक्वल टू वन बाई एक्स की पावर फोर सो दिस विल बी एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू वन तो वन को इधर ले आते हैं एक्स की पावर सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया इसको हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर थ्री का होल स्क्वायर इसको भी वन का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी में स्प्लिट हो जाएगा x की पावर थ्री प्लस वन और x की पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ तो एक्स की पावर थ्री प्लस वन जीरो के इक्वल हो सकता है या एक्स की पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है यहाँ से आ गया x की पावर थ्री इज इक्व टू माइनस वन तो x की वैल्यू आ गई माइनस वन यहाँ से आ गया x की पावर थ्री इज इक्वल्स टू वन यहाँ से x की वैल्यू आ गई वन तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर माइनस वन और वन मिल गई है दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे माइनस इन्फिनिटी माइनस वन वन और इन्फिटी तो मेरे पास इंटरवल्स क्या क्या बन गई माइनस इन्फिटी टू माइनस वन माइनस वन टू वन एंड वन टू इन्फिनीटी अब हम अपने एफ़ डैश एक्स को चेक करेंगे एफ़ डैश एक्स मेरे पास ये वाला था ये वाला इसमें से मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ थ्री कॉमन ले लेती हूँ अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायेर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर ठीक है ये एफ़ डैश एक्स है इसमें हमें चेक करना है और नेचर बतानी है क्या वो इंक्रीजिंग है क्या वो डिक्रीजिंग है सबसे पहले माइनस इन्फिनी टू माइनस वन आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए मैं माइनस टू पुट कर ली हूँ तो थ्री एक पॉजिटिव है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा अब ये जो अंदर वाला चीज़ है आप माइनस टू पुट करो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पर पुट करो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा सो दिस विल बी ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव सो इट विल बी इंक्रीजिंग माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन आप ज़ीरो वैल्यू पुट करके देखिए थ्री जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा बट अब यहाँ पर देखो आप अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर है तो ज़ीरो का स्क्वायर और वन माइनस जीरो का स्क्वायर ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा और जीरो का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा तो नेगेटिव रिजल्ट है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा नेक्स्ट वन टू इन्फिनी है आप कोई भी टू पुट कर रहे हो जैसे सपोज करो तो थ्री भी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा यहाँ पर टू का स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पर भी टू का स्क्वायर पॉजिटिव सो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा सो इट विल बी इंक्रीजिंग तो आप लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग किस में है और डिक्रीजिंग किस में है सो फर्स्ट पार्ट था इसका इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग किस में है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इन्फिनीटी में इंक्रीजिंग है और आपका जो माइनस वन टू वन है उसमें क्या है डिक्रीजिंग है सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन